नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शशिकांत राडे। आज मैं आपको हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा की एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फूल और कांटे। और इस कविता की अध्ययन निष्पत्ति है, मनुष्य किसी भी बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्तृत्व से, उसके कर्मों से वो बड़ा होता है। यही इस कविता की अध्ययन निष्पत्ति है। तो जरूर हम आज इस पाठ को सीखेंगे, फूल और कांटे। देखिए, फूल का स्वभाव और कांटों का स्वभाव अलग अलग है। फूल हमें सुख पहुंचाता है तो कांटे हमें दुख पहुंचाते हैं। कांटे अगर हमें चुभते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत ही बुरा लगता है, हमें दुख उत्पन्न होता है हमारे मन में। लेकिन फूलों को अगर हम हाथ लगाते हैं, उसको अगर हम स्पर्श करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी सुगंध हमें अच्छी लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यही सीखेंगे कि फूल का स्वभाव किस प्रकार से होता है, और उसी फूल की जो टहनी है और उस टहनी पर कांटे होते हैं, तो कांटों का स्वभाव किस प्रकार से होता है, उसके गुण किस प्रकार से होते हैं। एक ही पौधा होने के कारण भी उनके जो गुण हैं वो अलग अलग किस प्रकार से होते हैं, यही आज हम इस कविता से सीखेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, सातवीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती की दूसरी कविता है फूल और कांटे। ये जो कविता है, ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध इन्होंने ये लिखी है। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि का जन्म हुआ है 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई है 1947 को। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खेला फूल, प्रेम कांता आदि। संक्षिप्त में हम इनका परिचय देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम यही सीखेंगे कि फूल और कांटे इस कविता से किस प्रकार से हमें एक विशिष्ट कुल में जन्म न लेने से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि उनके कर्मों से, उनके कर्तृत्व से आदमी बड़ा बनता है, यही हम सीखेंगे। चलते हैं हम आगे कविता की ओर। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखो, ये जो फूल है, ये फूल का जो पौधा है, ये पौधा एक ही जगह पर जन्म लेता है, एक ही मिट्टी से जन्म लेता है। उसकी जो माँ है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो भूमि है, वो भूमि एक ही है, एक ही पौधा उन्हें है पालता। और जब वो उस मिट्टी से पौधा बड़ा होता है, तब वो पौधा भी एक ही होता है। एक ही पौधे पर क्या होता है, ये फूल लगा होता है, और फूल के नीचे जो टहनी है उस पर कांटे होते हैं। ये जो दो भाग है फूल के पौधे के, एक फूल है और टहनी के ऊपर जो कांटे है, वो एक ही पौधे के दो भाग हैं। इसलिए यहां पर कहा है कि एक ही मिट्टी से दोनों जन्म लेते हैं, एक ही भूमि से जन्म लेते हैं, और उसका जो पौधा है, पौधा यानी पेड़, वो पेड़ भी एक ही होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो विद्यार्थी मित्रों, एक ही पौधा है, फूल भी एक ही है,
और उसके ऊपर जो कांटे है वो भी एक ही है। तो ये जब फूल बड़ा होता है, ये पौधा बड़ा होता है, तब क्या होता है, रात में जो चांद होता है, वो चांद का जो प्रकाश होता है, चांदनी का जो प्रकाश होता है, वो चांदनी का प्रकाश भी क्या होता है, एक ही जैसे उस पर बरसता है। चांद भी क्या करता है, उसमें भेदभाव नहीं करता, भेद नहीं करता कि ये फूल है और इसको अलग सा प्रकाश डालो, और ये कांटा है तो इसको अलग सा प्रकाश डालो, तो ऐसा नहीं करता, एक ही सी चांदनी डालता है, एक ही सी प्रकाश उस पर वो डालता है। ठीक है, मेह उन पर है बरसता एक सा। देखो, मेह का मतलब यहां पर है बादल। उस पौधे पर, फूल के पौधे पर मेह बादल जो है एक जैसा ही बरसता है, एक जैसी ही बारिश गिरती है उस पर, चाहे वो फूल हो या वो टहनी हो या कांटा हो, उस पर एक ही बादल बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही। देखो, हवा भी इसमें भेदभाव नहीं करती, हवा जो चलती है जोरों से वो एक सी चलती है, उसमें भी भेदभाव नहीं होता, मेह इसमें फर्क नहीं करता। फूल अच्छा है दिखने में तो उस पर अलग सा बरसो, या हवा भी इसमें फर्क नहीं करती, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो विद्यार्थी मित्रों, हवा एक सी बहती है दोनों के ऊपर, मेह भी एक ही जैसा बरसता है दोनों के ऊपर, चांद भी अपना प्रकाश जो है एक जैसा ही डालता है, एक जैसा ही फैलाता है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो उस फूलों पर एक ही जैसा होता है, एक ही जैसे संस्कार उस पर होते हैं। फिर भी सदा यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। यहां पर कवि ने यह बताने की कोशिश की है, चाहे सब एक जैसा उन पर बरसता हो, एक जैसा संस्कार उनको मिलता रहे, फिर भी इन दोनों का जो ढंग है, इन दोनों का जो स्वभाव है, इन दोनों का जो गुण है वो अलग है। फूल हमें एक प्रकार का सुख देता है, कांटा हमें क्या करता है, दुख पहुंचाता है। कांटा अगर हमें चुभता है तो हमें दुख होता है, लेकिन अगर फूल हमारे ऊपर बरसेंगे तो हमें अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कितना भी एक जैसा बरसो, फिर भी इनका स्वभाव जो है, कांटे का स्वभाव अलग है और फूल का स्वभाव अलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है, देखो, अगर हम फूल को छूते हैं तो कांटा छूने वाले व्यक्ति की उंगलियों को क्या करता है, छेदता है, उसे चुभता है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यहां पर वर शब्द का अर्थ है सुंदर और वसन का अर्थ है वस्त्र, सुंदर वस्त्र। फाड़ देता है किसी का वर वसन, हमारा अगर सुंदर वस्त्र कांटे में फंस जाए तो कांटा क्या करता है, उस वस्त्र को, उस कपड़े को क्या करता है, फाड़ डालता है। और अगर हमने उंगलियों से उस फूल को छुआ तो हमें वो कांटा चुभता है, जिससे हमें बहुत दुख होता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब तितलियां प्यार से, आनंद से उस फूल के साथ, उस फूल के परिवेश में, आजू बाजू में घूमती है, फूल पर बैठती है, तो एक कांटा क्या करता है, उस तितलियों के पर कतरता है, काटता है। यहां पर कतर शब्द का अर्थ है काटना। तितलियां अगर उस फूल पर बैठती है बहुत ही आनंद से, लेकिन ये जो कांटा है वो कांटा तितलियों को क्या करता है, उसके
परों को, उसके पंखों को क्या करता है, काटता है। भोर का है वेद देता श्याम तन, यहां पर वेद का अर्थ है घायल करना। भोर का है वेद देता श्याम तन, भोरे का जो एक काला शरीर होता है उस काले शरीर को क्या करता है ये कांटा, क्या करता है, दुख पहुंचाता है, घायल करता है, क्योंकि भौरा जो है वो फूल के आजू बाजू में घूमता रहता है, फूल को सूंघता रहता है बड़े ही आनंद से, चाहे वो तितली हो चाहे कोई भी भौरा हो, तो भौरा क्या करता है फूल के आजू बाजू में घूमता है, लेकिन ये जो कांटा है वो कांटा क्या करता है उसके सुंदर शरीर को, उसके काले शरीर को, तन को घायल कर देता है। इस प्रकार का स्वभाव कांटे का होता है। तो इस पंक्तियों में कवि ने यह समझाने की कोशिश की है कि कांटे का स्वभाव किस प्रकार से होता है, कांटा हमें किस प्रकार से दुख पहुंचाता है, यही इस पंक्तियों में कवि ने समझाने की कोशिश की है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, अब यहां पर फूल का स्वभाव किस प्रकार से होता है, कांटे का स्वभाव तो हमने देखा, लेकिन फूल का स्वभाव किस प्रकार से होता है यहां पर कवि हमें समझाते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तितलियों के पर कतरता नहीं है फूल, काटता नहीं है, तो बल्कि क्या करता है, तितलियों को गोद में लेता है फूल, उससे प्यार करता है, प्रेम से उसको अपनी आगोश में समा लेता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौर होता है उसको भी कुछ नहीं करते हैं फूल, तो क्या करते हैं, अपने अंदर का जो एक अनूठा रस है, अनूठा, अनूठा इस शब्द का अर्थ यहां पर है अद्भुत, विलक्षण, ये जो अनूठा रस है अपने अंदर का, फूल के अंदर का वो रस भौर को फूल क्या करते हैं, पिलाते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते। ये स्वभाव है फूल का, कांटे जैसा स्वभाव नहीं है, घायल करना, किसी को काटना, किसी को दुख पहुंचाना, वो हमेशा हमें सुख पहुंचाते हैं, समाधान पहुंचाते हैं। इसलिए यहां पर कहा है कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, उसकी जो एक सुगंध होती है, उसकी जो एक सुवास होती है वो हमें महकाती है, और हमारे आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में उसकी एक अलग सी वातावरण निर्मित होती है, ये फूल का काम है। उसका जो एक अलग अलग रंग होता है, कोई सफेद रंग का फूल होता है तो लाल रंग का फूल होता है, कोई कोई तो फूल नीले रंग के भी होते, अलग अलग जो उनके रंग होते हैं फूलों के, बहुत सारे रंग होते हैं, पीले रंग होते हैं, उस रंग से हमें समाधान दिलाता है, फूल की ओर देखने से ही हमें समाधान मिलता है, लेकिन कांटों की ओर देखने से मिलता है विद्यार्थी मित्रों समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि कांटों का स्वभाव ही है दूसरों को चुभना, दूसरों को दुख पहुंचाना, लेकिन यहां फूलों की बात अलग है, अपने सुगंध से वो दूसरों को महकाते हैं, अपने रंग से दूसरों को समाधान पहुंचाते हैं। है सदा देता कली जी की खिला, जी का मतलब यहां विद्यार्थी मित्रों मन, है सदा देता कली जी की खिला, यानी फूल हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों के मन को आनंदित करता है, मोहित करता है, यानी हर वक्त फूल जो है हमें क्या करता है, सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। है खटकता एक सब की आंख में, देखो एक जो है यानी कांटा जो है वो सबके आंख में खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कांटों को छूना,
किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें भी विद्यार्थी मित्रों। हम कांटों को नहीं छूते हैं प्यार से, प्रेम से, चलो आ जाओ हम आपको छूते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम। इसलिए कांटा जो है हर एक व्यक्ति के आंख में खटकता है, वो अच्छा नहीं लगता है किसी को। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। यहां पर सोहता का मतलब है शोभा देना, सुर का मतलब है देवता, विद्वान या पंडित लोग, और शीश यानी सिर। तो दूसरा यानी फूल जो है वो फूल देवता के सिर पर शोभा देता है, विद्वान लोगों के सिर पर शोभा देता है, यानी कि फूलों की जगह कहां पर है, सिर पर है। फूलों की जो जगह है वो सिर पर है, क्योंकि फूल दूसरों को आनंदित करते हैं, फूल दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। तो यहां पर बहुत ही अच्छी पंक्ति यहां पर दी हुई है। इन दो पंक्तियों में फूल और कांटे कविता का सार छिपा हुआ है, क्योंकि यहां बताया गया है कि है खटकता एक सबकी आंख में, यानी कांटा जो है वो खटकता है हर किसी के आंख में, लेकिन फूल का वर्णन यहां पर क्या किया है, फूल जो है वो सोहता सूर शीश पर, यानी विद्वान लोगों के, देवता लोगों के, देवताओं के सिर पर फूलों का स्थान होता है, उसकी जगह वहां पर होती है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस प्रकार से एक ही परिवार में जन्मे ये दो है, एक ही पौधे पर इनका जन्म हुआ है, एक ही मिट्टी में ये उभर कर आए हैं, बड़े हुए हैं, एक ही पौधे पर उनकी जगह है, तो किस प्रकार से बड़प्पन की कसर रह गई है। क्योंकि यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से कुल की बड़ाई काम दे सकती है, क्योंकि यहां पर किसी बड़े कुल में जन्म लेने से वो बड़ा नहीं बनता, उसके कर्तृत्व से, उसके कर्मों से, उसके अच्छे कार्यों से वो बड़ा बनता है। यही यहां पर बताने की कोशिश की है। किसी भी व्यक्ति का बड़प्पन जो है, वो बड़प्पन जो है वो उसके कर्तृत्व में होता है। किसी बड़े घर में या परिवार में कोई जन्म लेता है तो ऐसा तो नहीं होता कि बड़े परिवार में जन्म लेता है तो बहुत होशियार होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, ऐसा नहीं होता। उसको क्या करना पड़ता है, अपना कर्तृत्व सिद्ध करना पड़ता है, बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, तभी कई जगह पर जाकर वो कर्तृत्ववान कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता से हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि आप चाहे कितने भी बड़े परिवार में जन्म लो, जब तक आप अपना कर्तृत्व अपने कार्यों से, अपने कर्मों से सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक आप बड़े नहीं माने जाते। बड़प्पन उसमें ही है, कर्तृत्व में, कर्मों में, अच्छे कर्मों में। यही इस कविता से बताने की कोशिश की गई है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने जीवन में, आप कौन से परिवार से हो ये मायने नहीं रखता, यहां पर ये मायने रखता है कि आप चाहे गरीब परिवार से हो या बड़े परिवार से हो, आपको अपना खुद का कर्तृत्व सिद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बड़े हो जाओगे, तभी आपके सिर पर ताज होगा, आपकी जगह सिर पर होगी, जैसे फूलों की जगह होती है सिर पर, उसी प्रकार आपकी भी जगह, आपने अगर कर्तृत्व सिद्ध किया तो आपकी भी जगह कहां पर होगी, सिर पर होगी, यानी ताज जहां पर रखा जाता है, ताज वहां पर आपकी क्या होगी, जगह होगी। तो आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों,
एक कविता फूल और कांटे आपको समझ में आई होगी। अब हम इस कविता में जो स्वाध्याय है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से हम उसे पूरा कर सकते हैं ये हम देखते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताओ तो सही इसमें क्या दिया है। देखो, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। यानी आपको कौन कौन से फूल पसंद है, या कोई एक फूल पसंद है तो कौन सा फूल है और क्यों पसंद है, ये क्या करना है आपको। यहाँ पर जो मुद्दे दिए हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों। यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए हैं, देखो, एक तो आपको फूल का नाम लिखना है, दूसरा आपको उस फूल का उपयोग भी लिखना है, और तीसरा जो है उस फूल का गंध। तो इन तीन मुद्दों के आधार पर आपको एक तीन चार पंक्तियों में बताना है कि आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों पसंद है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द वाटिका है, यानी इस कविता में जो अलग अलग शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखते हैं, मेह इस शब्द का अर्थ है बादल, वर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, वसन का अर्थ है वस्त्र, वेदना का अर्थ है घायल करना, भौंर का अर्थ है भौंरा, जी का अर्थ है मन, सोहना यानी शोभा देना, सीस का अर्थ है सिर। इस कविता में एक मुहावरा भी है, जी की कली खिलना। देखो, बहुत ही अच्छा मुहावरा है, जी की कली खिलना, इसका मतलब है खुश होना। अब देखते हैं हम खोजबीन, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। देखो, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके नामों का वर्गीकरण करना है। कैसे करना है, एक है छोटे पेड़, फिर है मध्यम पेड़ और फिर है बड़े पेड़। छोटे पेड़ के वर्गीकरण में या वर्ग में कौन से पेड़ आते हैं, मध्यम पेड़ के वर्गीकरण में कौन से पेड़ आते हैं, बड़े पेड़ के वर्ग में कौन से पेड़ आते हैं, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे छोटे पेड़। देखो, गुलाब, तुलसी और कमल, ये जो पेड़ है, ये पेड़ हमारे गमले में भी आते हैं, अच्छी तरीके से वो उगते हैं और उनको फूल भी लगते हैं, तो ये है छोटे पेड़। अब हम देखेंगे मध्यम पेड़ क्या है, पपीता, अनार, केला, ये जो पेड़ है वो मध्यम यानी छोटे पेड़ से थोड़े मोटे पेड़, उसे हम मध्यम पेड़ कहेंगे। फिर चलते हैं बड़े पेड़। बड़े पेड़ यानी विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही बड़े, जिनकी जड़ें जो होती है वो बहुत ही जमीन के अंदर पहुंचती है और जमीन के ऊपर भी उनकी ऊंचाई से लेकर उसकी चौड़ाई वो बहुत ही बड़ी होती है, उसको हम बड़े पेड़ कहेंगे। और उसकी जो छाया भी होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, इसके कारण इसको बड़ा कहा गया है। तो बड़े पेड़ों में क्या है, देखो, नारियल का पेड़ बड़ा होता है, पीपल का पेड़ बड़ा होता है और बरगद का पेड़ भी बड़ा होता है। यहाँ पर तीन ही पेड़ है हर एक वर्ग में, लेकिन आप बहुत कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, हर एक वर्ग के अनुसार इसका वर्गीकरण आप कर सकते हो। अब देखो, वाचन जगत से संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। देखो, संकेत स्थल यानी वेबसाइट पर आपको जाना है और जो महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग है उनकी जानकारी पढ़नी है। खादी ग्रामोद्योग यानी जिससे एक देसी धागा निकलता है, खादी ग्रामोद्योग का मतलब है
जो खादी के कपड़े जहाँ पर तैयार किए जाते हैं, खादी जो धागा होता है वो धागा जहाँ पर तैयार किया जाता है, या अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं, खादी कपड़े हम उसे बोलते हैं, वो जहाँ पर तैयार किया जाता है उसे खादी ग्रामोद्योग कहते हैं। तो आपको क्या करना है, महाराष्ट्र राज्य की संकेत स्थल पर जाकर आपको खादी ग्रामोद्योगों की जानकारी पढ़नी है और निम्नलिखित जो यहाँ पर मुद्दे दिए हैं उसके आधार पर आपको क्या करना है, भाषण तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से मुद्दे हैं। एक है कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण और विक्रय। यहाँ पर क्रम से इसको लगाया है। देखो सबसे पहले कपास, कपास तो आपको मालूम है, कपास इसका मतलब है मराठी में कापूस। तो कपास की निर्मित होती है, कपास जमीन में उगता है, फिर उससे धागा बनता है, फिर उसकी बुनाई की जाती है, फिर उसकी निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, यानी कपड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है उसे निर्माण प्रक्रिया कहेंगे, फिर जो कपड़ा बनता है उसका वितरण कहाँ कहाँ पर करना है, कैसे किया जाता है वितरण, और वितरण करने के बाद विक्रय यानी उसे बेचा किस प्रकार से जाता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक प्रक्रिया दी गई है। तो इसी मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है, ये भाषण तैयार करना है। ठीक है, सदैव ध्यान में रखो प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सदैव ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि हर एक परिस्थिति का सामना जो है हंसते हुए करो। हमारे जीवन में कितने भी संकट आए, कौन से भी संकट आए, हर एक संकट का सामना अगर आप हंसते हुए करोगे, सकारात्मकता जो होती है वो आपके अंदर अगर होगी तो आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। क्योंकि हर एक संकट के वक्त आप क्या करोगे, अगर दुख में रहोगे, ज़्यादा पीड़ित रहोगे, तो उसका असर जो है, उसका जो असर है वो असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो खुशी की परिस्थिति हो, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, आपको हर एक परिस्थिति में क्या करना है, हंसना है, हंसते हुए रहना है, आनंदित रहना है। आनंद ही जीवन का एक परममात्र ध्येय होना चाहिए। हर वक्त आनंद में रहो, बस यही बात आपको सदैव ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये एक प्रश्न है। देखते हैं, रात में उन पर डैश चांद भी। उत्तर है चमकता चांद भी। तो चमकता, ये उत्तर आपको लिखना है। एक ही सी डैश है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। रिपीट, एक ही सी चांदनी है डालता, प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर। उत्तर है विद्यार्थी मित्रों पर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौंर का है वेद देता डैश तन, भौंर का है वेद देता श्याम तन। यहां पर उत्तर है श्याम। यहां पर एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। देखो प्रश्न, फूल किनको गोद में लेता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न है, देखो बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। यहां पर तीसरा प्रश्न है, कौन एक सा बरसता है। उत्तर है, मेह एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, देखो फूल किसको रस पिलाता है। उत्तर है, फूल भौंर को रस पिलाता है। आगे हम चलते हैं भाषा की ओर।
निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कापी में लिखो। देखो यहाँ पर जो ये चित्र दिया है वहाँ पर एक अलग अलग वर्ण दिए हैं हमारे वर्णमाला के, जो ऐसे बिखरे हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है उसमें एक समानार्थी शब्द और इधर विरुद्धार्थी शब्द इस चित्र से आपको ढूंढने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समानार्थी शब्दों को ढूंढेंगे, फिर विरुद्धार्थी शब्दों को ढूंढेंगे और फिर आगे जाकर क्या करना है, जो भी शब्द आपने ढूंढे हैं समानार्थी या विरुद्धार्थी, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहला समानार्थी शब्द इस चित्र में है जो है तन, और तन का समानार्थी शब्द है बदन। अगला समानार्थी शब्द है जल, और जल का समानार्थी शब्द जो इस चित्र से ढूंढा है हमने वो है पानी। आगे चलते हैं हवा, हवा का समानार्थी शब्द है पवन, जो इस चित्र में हमने यहाँ पर ढूंढा है। अब हम क्या करते हैं, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द ढूंढे हुए हैं पहले से ही, देखते हैं। पहला है मान, मान का विरुद्धार्थी शब्द है अपमान। छोटा, बड़ा। पावन, पावन का विरुद्धार्थी शब्द है अपावन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द हमने ढूंढे हैं और कुछ विरुद्धार्थी शब्द हमने ढूंढे हैं। अब जो शब्द हमने ढूंढे हैं उन शब्दों को क्या करेंगे, हम उन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं समानार्थी शब्द। यहाँ पर हमने कुछ शब्द ढूंढे हैं, तन, जल, हवा, और उनके सामने उसके समानार्थी शब्द है। तो उनका हमें क्या करना है, अब वाक्यों में प्रयोग करना है। तन का समानार्थी शब्द है बदन, तो वाक्यों में प्रयोग क्या होगा, देखो, सैनिक तन मन से देश की सेवा करते हैं, ठीक है। आगे है, सैनिक लहू लुहान हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वाक्य है और वाक्य के प्रकार, सॉरी, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वाक्य में प्रयोग किए हैं। आप अपने मन से किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। आगे है जल, जल का समानार्थी शब्द है पानी। तो इनका वाक्यों में प्रयोग देखो, सबसे पहले हमें जल का वाक्यों में प्रयोग करना है। समुद्र का जल खारा होता है और उसका समानार्थी शब्द है पानी। पानी का भी वाक्य में प्रयोग देखो, मैं पानी गर्म करके पीता हूं। तो ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपने मन से किसी भी वाक्य को यहाँ पर रख सकते हो या लिख सकते हो। आगे है हवा, हवा का समानार्थी शब्द है पवन। सबसे पहले हम हवा का वाक्य में प्रयोग करेंगे, हवा जोरों से आती है और उसका समानार्थी शब्द है पवन। पवन का भी हम क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे, हवा का एक नाम पवन भी है। तो इस प्रकार से हमने समानार्थी शब्दों को ढूंढा है और उनका वाक्यों में भी प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। तो हमने यहाँ पर कुछ विरुद्धार्थी शब्द ढूंढे हैं, मान, अपमान, छोटा, बड़ा, पावन, अपावन। तो इनका हम क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं, पहला है मान, अपमान। तो इनका वाक्यों में प्रयोग होगा, मान और अपमान की चिंता मत करो। आगे है छोटा, बड़ा। वाक्यों में प्रयोग है, हमारे मन में छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। आगे है पावन, अपावन, और इसका वाक्य में प्रयोग है, आज के जमाने में भी कुछ लोग पावन
और कुछ लोग अपावन विचारों के हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्दों को ढूंढा है और उनका वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कैसी लगी आज के ये कविता फूल और कांटे? तो आपको जरूर ये पता चला होगा कि किसी भी कुल में आप जन्मे हो, आपको काम ही करना चाहिए, आपको अपना कर्तृत्व सिद्ध करना होगा, तभी आप बड़े होंगे। और इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। इसका स्वाध्याय भी किस प्रकार से पूरा करना है, ये भी इस कविता में बताने की कोशिश मैंने की है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे विद्यार्थी मित्रों, तब तक नमस्कार।